नमस्कार, एंटरटेनमेंट स्वैग में आप सभी का स्वागत है। कंगना रनौत ने अपनी फिल्म मणिकर्णिका की रिलीज से पहले कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के यौन शोषण पर उन्होंने रानी मुखर्जी के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कंगना ने अपने साथ हुई एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक दफा काफी लोगों के बीच में मेरी कमर के नीचे हाथ लगाया गया और पिंच किया गया। उन्होंने कहा कि वो शख्स मेरे पास ही खड़ा होकर ये सब कर रहा था। मीटू कैंपेन के बाद महिलाओं के प्रति नजरिए में काफी बदलाव की बात कंगना ने कही। कंगना का कहना है कि अब लोग किसी हीरोइन को परेशान करने से पहले 10 बार सोचते हैं। कंगना ने कहा कि अगर आपके साथ गलत होता है तो फिर चुप नहीं रहना चाहिए, इस पर खुलकर बोलना चाहिए। कंगना रनौत का कहना है कि उनके साथ एक बार नहीं बल्कि कई बार सेट पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं और एक्टर्स ने उनका उत्पीड़न किया है। कंगना ने कहा कि उन्होंने मीटू अभियान के तहत आवाज नहीं उठाई क्योंकि ये अनुभव शारीरिक नहीं थे बल्कि डराने वाले अपमानजनक थे। जो मेरे साथ हुआ वो मीटू में नहीं आता है, लेकिन ये भी एक तरह का उत्पीड़न ही है। मेरे साथ काफी अलग तरह का उत्पीड़न किया जाता था। कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के प्रमोशन में लगी हुई है। फिल्म में उनकी प्रमुख भूमिका है, वो झांसी की रानी के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म को लेकर विवाद भी हो रहा है। फिल्म को लेकर करणी सेना ने धमकी दी है कि रिलीज से पहले अगर उन्हें फिल्म नहीं दिखाई जाएगी तो वो थिएटर्स में तोड़फोड़ करेंगे। इस संगठन के लोगों का कहना है कि फिल्म में रानी लक्ष्मीबाई और एक ब्रिटिश अफसर के बीच प्रेम प्रसंग के बारे में दिखाया गया है, जिस पर उन्हें आपत्ति है और इस सीन को हटाया जाना चाहिए। कंगना ने कहा कि फिल्म पर सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है, हम किसी संगठन को फिल्म नहीं दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एंटरटेनमेंट स्वैग। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।